के लिए एनसीआर के लिए महंगाई की नई खेप, 50 पैसे महंगी हुई सीएनजी। दिल्ली में पीएनजी के दामों में 1 रुपए का इजाफा, नोएडा में 1 रुपए प्रति एससीएम बढ़ी पीएनजी की कीमत। अब दिल्ली में पीएनजी की कीमत 37.61 रुपए प्रति एससीएम, नोएडा में प्रति एससीएम 35.86 रुपए होगी कीमत। गोवा में कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। महंगे तेल को लेकर अखिलेश का वार, कहा कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की जेब काट रही है सरकार। आज भी घूम जाएंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, हिंसा के पीड़ितों से करेंगी मुलाकात। बीरभूम हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, पुलिस ने गुरुवार दोपहर 2 बजे तक मांगी केस डायरी और घटना के स्टेटस रिपोर्ट। जारी है बीरभूम हिंसा की जांच, फोरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर जुटाए सबूत, अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी आज बीरभूम का करेंगे दौरा, पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे रिपोर्ट। बीरभूम हिंसा पर सियासत तेज, सुदीप बंदोपाध्याय की अगुवाई में अमित शाह से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीरभूम की हिंसा पर जताया दुख, कहा राज्य सरकार ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर दिलवाएगी सजा। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। बीरभूम हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने राज्य सरकार को दिलाया भरोसा, कहा अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने में हर मुमकिन मदद करेगा केंद्र। बीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, झूठ बोलने का लगाया आरोप। आज बीजेपी का 5 सदस्यीय केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में, आज करेगा घटनास्थल का दौरा। बीरभूम हिंसा को लेकर लगातार सुलग रही है सियासत, बीजेपी नेताओं की टीम लेकर हिंसा की जगह पर पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी। अस्पताल जाकर हिंसा के पीड़ितों से मिले शुभेंदु अधिकारी, ममता सरकार पर साधा निशाना, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा एनआईए या सीबीआई से करवाई जाए बीरभूम हिंसा की जांच। घटना को लेकर आज विरोध रैली का आयोजन, विधानसभा में बीजेपी के 70 विधायक करेंगे पुलिस मंत्री के इस्तीफे की मांग। सिलीगुड़ी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, बीरभूम हिंसा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। योगी की ताजपोशी से पहले मंत्रिमंडल पर फाइनल मुहर को लेकर मंथन, दिल्ली में अमित शाह के घर देर रात तक चली चर्चा। यूपी में आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, केंद्रीय पर्यवेक्षकों अमित शाह और रघुवर दास की मौजूदगी में होगा नेता का चुनाव। 25 मार्च को होगी योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी, 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 5 उपमुख्यमंत्रियों को भेजा गया न्योता। उत्तर प्रदेश में राजतिलक के लिए सजने लगी राजधानी लखनऊ, एयरपोर्ट पर लगने लगे गमले, मोदी और योगी के होर्डिंग से पटा पूरा शहर। योगी के शपथ ग्रहण में पूरे प्रदेश से आएंगे बीजेपी कार्यकर्ता, पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी से 800 कार्यकर्ता होंगे शामिल। बीजेपी ने फिर मांगा उद्धव ठाकरे का इस्तीफा, महाराष्ट्र के सीएम के रिश्तेदार पर ईडी के छापे के बाद सुलग रही है सियासत। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर बढ़ाया दबाव, विधानसभा के बाहर विधायकों का प्रदर्शन। पटना में आरजेडी का विरोध प्रदर्शन, जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। राजस्थान के अलवर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म की आलोचना करने वाले शख्स को धमकी, मंदिर में नाक रगड़वा कर मंगवाई माफी। वायरल वीडियो को लेकर भीम आर्मी ने दी आंदोलन की चेतावनी, 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के आवास पर मंथन, सूबे में पार्टी के प्रभारी रघु शर्मा और सूबे में पार्टी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर हुए शामिल। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में उठाया मिड डे मील का मुद्दा, कहा अब स्कूल खुल गए हैं, केंद्र सरकार तुरंत शुरू करे स्कीम की शुरुआत। पंजाब के भगवंत मान सरकार ने पेश किया 3 महीने का अंतरिम बजट, 37,120 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव। दिल्ली में एमसीडी 1 करने पर केजरीवाल का हमला, बोले बीजेपी को चुनाव में हार का डर, हिम्मत हो तो समय पर कराएं इलेक्शन। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र जारी, 26 मार्च को बजट पेश करेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया।
राजस्थान के सीकर में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों का विरोध, बीएसपी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण, सरफेस टू सरफेस निशाने पर सटीक वार करने में है सक्षम। गुजरात में पाकिस्तान सीमा पर पहुंचे बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह, सुरक्षा हालात को लेकर 3 दिनों तक करेंगे मंथन। पाकिस्तान डे परेड के दौरान सामने आई नापाक इरादे, बुरहान वानी और सैयद अली शाह गिलानी की लगाई तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के हुगली में अस्पताल की लापरवाही से गई 45 साल के शख्स की जान, हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत। बठिंडा के अस्पताल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टरों से बदसलूकी। पंजाब में रिश्वत के खिलाफ मुख्यमंत्री के मोबाइल नंबर पर बठिंडा के गौशाला इंचार्ज की शिकायत, नायब तहसीलदार पर रिश्वत लेने का आरोप। तरनतारन की फैक्ट्री में हादसा, मालिक सहित 3 लोगों की मौत। थाने में पुलिस ने भोंदू बाबा को किया गिरफ्तार, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों के साथ करता था ठगी। ग्वालियर में पकड़ा गया 4 हत्याओं का आरोपी, पत्नी ने थाने पहुंचकर दी थी जानकारी। दिल्ली में बदमाशों ने जैगुआर पर की फायरिंग, युवक को लगी गोली। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश जख्मी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रेत माफिया पर कार्रवाई, 3 ट्रक जब्त। राजस्थान के अलवर में 2 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त करने के दौरान जेसीबी पर गिरा निर्माणाधीन भवन, ड्राइवर घायल। हिमाचल के मंडी में सुंदरनगर नलवाड़ मेले में बवाल, 2 गुटों में जमकर चले लात घूंसे। राजस्थान के भीलवाड़ा में जमीन की नीलामी रुकवाने को लेकर विवाद, गांव वालों ने पुलिस की टीम पर किया पथराव। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस के हत्थे चढ़ा झोला छाप डॉक्टर, 1 दिन पहले इंजेक्शन के बाद गई थी मासूम की जान। जेएनयू में तबीयत बिगड़ने से 1 छात्र की मौत, छात्र संघ ने मेडिकल सुविधाओं को लेकर उठाए सवाल। रेलवे बोर्ड यात्री सेवा समिति की टीम ने समस्तीपुर रेल मंडल के स्टेशनों का किया निरीक्षण, खानपान स्टॉलों पर अनियमितता को लेकर 20,000 रूपये का जुर्माना। मुंबई से सटे उल्लासनगर में ताश के पत्ते की तरह गिरी खतरनाक इमारत, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पश्चिमी दिल्ली में आइसक्रीम खाने निकले युवक से झपटमारी, चेन लूट कर ले गए बदमाश, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। सिकंदराबाद की फैक्ट्री में आग लगने से बिहार के 2 मजदूर भाई आए चपेट में, 1 की मौत, 1 बुरी तरह जख्मी। बहन की शादी के लिए पैसे कमाने गए थे दोनों भाई, 14 जून को है तय तारीख। फिरोजाबाद में फरार चल रहे आरोपियों के गांव में कराई मुनादी, घरों के बाहर चिपकाए पर्चे। गाजियाबाद के पौश इलाके में सरेआम लूट, गोल्ड फाइनेंस करने वाली दुकान में 10 लाख की लूट। बाइक बोर्ड घोटाले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी राजेश भारद्वाज की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 80 साल की महिला का हौसला, बहू और पोते के साथ दी परीक्षा। बारामती में ब्रेक फेल हुए 2 पहिया को युवक ने साहस दिखाकर रोका, बुजुर्ग दंपत्ति की बचाई जान। सूरत में 14 साल में ही खंडर हो गए नए मकान, भगवान भरोसे रहने को है मजबूर म्युनिसिपल कर्मचारी। 5 साल बाद ही इमारतों से टपकने लगा था पानी, इमारतों में रहते हैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। नागपुर में बीच सड़क धू धू कर जला ट्रक, वक्त रहते ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर ट्रक से कूदकर जान बचाने में हुए कामयाब। गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर रांची में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत, पहली पारी में कंगारू टीम को मिली 123 रन की बढ़त। पाकिस्तान की पूरी टीम पहली पारी में 268 रन पर आउट, अब्दुल्ला शफीक ने बनाए सबसे ज्यादा 81 रन, अभी 2 दिन का खेल बाकी। सेंचुरियन वनडे में बांग्लादेश ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका 9 विकेट से हराकर जीती 3 मैचों की सीरीज, 141 गेंदे बाकी रहते हासिल किया 155 रन का लक्ष्य। पुणे में आगा खान पैलेस में पानी की सप्लाई काटी गई, बकाए को लेकर नगर निगम की कार्रवाई। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जारी है हीट वेव का सितम, गर्मी ने लोगों को किया बेहाल। चमोली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, हिमालय की चोटियों पर शुरू हुई बर्फबारी, गर्मी से मिली राहत।
जुलाई से सितंबर 2021 में शहरी बेरोजगारी दर में 2.8% की कमी, एनएसओ की ताजा रिपोर्ट में किया गया दावा। भारत में 38% कंपनियां अगले 3 महीने में और भर्तियां करने की बना रही हैं योजना, मैन पावर ग्रुप की रिपोर्ट में जताया गया अनुमान। बीते 7 दिनों में रोजाना 3.82 लाख लोगों ने किया हवाई सफर, सरकार ने 2023-24 में विमान यात्रियों की संख्या 40 करोड़ पहुंचने का जताया भरोसा। बुधवार को 80 पैसे के इजाफे के बाद 2 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1.60 रुपए की बढ़ोतरी, आने वाले दिनों में 14.40 रुपए प्रति लीटर तक महंगा होने की आशंका। तेज हुई गाड़ियों की वेटिंग पीरियड में बढ़ोतरी की आशंका, पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को सप्लाई चेन बिखरने की वजह से उत्पादन में गिरावट का डर। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और एमडी पवन मुंजाल के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे, गुड़गांव में घर और दफ्तर पर ताबड़तोड़ रेड।